हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर ब्लॉग। तो आम अच्छा गंगोत्री धाम स्टे करूँ, ये रहा आम रूम। एवं आम बाहर गर्तांगली ब्रिज जहाँकि हम गंगोत्री धाम रु 6-7 किलोमीटर। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। वीडियोटा केमती लगला कमेंट सेक्शन में शेयर जनइबे। तो ये रहा लंका ब्रिज, आउ यहाँ पर लिखा है प्रवेश द्वार ऑफ गर्तांगली गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराकाशी। तो गर्तांगली ब्रिज आसे ये टिकेट काटे को पड़े, तो टिकेट काउंटर बाहर ही आसे पर पर्सन 150 चार्जेस। एंट्री कर सारापर आप साइन बोर्ड में देखिपुर थे बार्ड्स ऑफ गर्तांगली, ये केते प्रकार सब बार्ड्स देखा जाती आउ केते प्रकार सब बटरफ्लाई देखा जाती साइन बोर्ड में मराई। तो यू ट्रैकिंग करवाक पड़ो, आप देखिपुर थे ये पूरा सैड्रे अच्छी पथर घरिका। तो यू पखापाखि 2.5 किलोमीटर हम ट्रैकिंग आउ गंगोत्री ठू पखापाखी 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर रे अच्छी आमर गर्तांगली ब्रिज। आउ उत्तरकाशी जी आप आसुंच आपण मानक पड़ज 93 या 92 किलोमीटर। तो आपण गंगोत्री दर्शन करके आस गर्तांगली ब्रिज जापर नग गर्तांगली ब्रिज जा गंगोत्री धाम को जापर। तो ये रहा कि ओजन सीन आप देखिपे आगे जी छोटा पूरा एकदम पतला रास्ता। तो ये आपण मानक देखा जा लंका ब्रिज। तो पचर आम सब ग्रुप आसमें आसचु आम मंगल मोर अमित आसचु चंदन रहा तले लखनऊ रु हर्ष भाई कानपुर रु माधव भाई एतिक ग्रुप है कि आसीचु। और हर्ष भाई कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया, गजब गजब। तो ट्रैकिंग कथा यदि कह यमुनेत्र टू भी आर ऊंचा चढ़ाणी रास्ते रे एमता गोड़ी मिल जाव जहाँ कि आपन को चढ़िया तो ग्रिप देव किंतु ओल्लैला टाइम रे प्रॉब्लम दे पारे। मोस्ट डिफिकल्टी ट्रैकिंग तीक्षण चढ़ाण। पूरा स्ट्रेट चढ़ाइए। तो ये जी आसुंच आपण मैंने ताले सांगेरे पानी बोतल आ कि सुखिला खाद्य साथ क्यारि कर दिंतु सुविधा हम आपन को कारण तीक्षण चढ़ाणी अच्छे टंटी भी सुखी जीव बहुत जल्दी आउ रास्त कि दुकान बजार आपन को मिल। तो ये टी रास्ता गड़ाणिया पड़ा पुणी चढ़िया पड़ो। ट्रैकिंग करके कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। जब भी कहीं घूमने जाओगे ना तो वहाँ पर की जो जो चीज़ें हैं सबको देखना और क्या अपने को महसूस हो रहा है, हाँ भाई उसमें ही आनंद लेना। वही तो जो महसूस लोग हो रहे क्या बोलेंगे इस पे तुम बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि हम हमारे मर्जी से निकले हैं, हाँ। लोगों के कहने पर नहीं निकले। वो तो सही बात है, ठीक है। और अब एक बार यही जहाँ निकल गए तो वहाँ पर की सारी बातें अब पहले देखना कहाँ क्या कैसे है
फिर उसके बाद में वहाँ पे चढ़ाई चालू करना, और एक बार स्टार्ट कर दे तो रुकना मत, रुकना मत और पूछना मत कि कितना दूर रह गया। स्टार्ट एक जैसी नहीं होती है। हाँ बस अपने अपने स्पीड में चलते रहना है, दूसरों से रास्ता नहीं पूछना, दूसरे को रास्ता नहीं पूछना, दूसरों से रास्ता पूछोगे तुरंत नेगेटिविटी। हाँ भैया ना जाओ भैया, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इससे अच्छा है कि आप खुद में भरोसा रखो, आगे बढ़ते रहो, छोटे छोटे कदम छोटे छोटे पहुँच जाएंगे। नेचर कुछ, और यहाँ का व्यू देखो, मतलब गजब है। एक पेड़ का साइज देखो, आपको पता चल जाएगा कि एक पेड़ यहाँ पर जंगल में कितना बड़ा होता है। पेड़ का साइज देख लो। ओ भाई वो तो यहाँ से हो जा, बहुत बड़ा, उसका 1/3 भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। बहुत प्राचीन टाइप की, मतलब वो लग रही है वो तो कब नहीं, जैसे वो नहीं लगता हॉलीवुड मूवी में जैसे मिस्र वगैरह में जाते हैं। हाँ वैसे लग रहा है, एडवेंचर कुछ ऐसे ही कुछ चीज है, मजा लगता है। तो यहाँ से फिर से ऊंचाई आ गया, फिर से चोटी चढ़ना पड़ेगा। कितना पतला सा रास्ता आप देख सकते हो। चलते चलते ले लिया तो यहाँ पे हम कुछ सेकंड रेस्ट लेंगे, बहुत चढ़ाई हो गई, आधा तो आ गया, मज़ा आ रहा है। पैसा वसूल फूल एकदम। वो जो ब्रिज है ना, वो लंका ब्रिज है, हम ऐसे ऐसे घूम कर आए हैं, बस इसी के भरोसे यहाँ तक आ गए हैं। हाँ अगर हवा नहीं होता तो फट के चार हो जाए। हाँ वो लोग शायद बीच में है, फोन लगेगा उनको। हाँ लग जाएगा, नहीं दोनों नेटवर्क कटम, नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पर नहीं लगेगा तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, शायद टॉप पर लग सकता है। एक मिनट, वो ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज है? वो पुराना वाला तो ये तो लंका ब्रिज है ना, वो जो वहाँ से हम टिकट खरीद, हम लोग ऊपर वाले से आएंगे, नीचे वाले? हाँ बढ़िया, ऊपर वाले से आए ना, यहाँ पे आवाज गूंजती है? ओ! नहीं गूंजता। हाँ गूंजा। जय श्री राम। ऐसे मतलब ऐसे फिर ऐसे जाओगे कुछ इस तरफ से नीचे की तरफ रास्ता है, जिग जैक। आराम से, बोलो प्यार से। आप यहाँ पर देख सकते हो एक पेड़ एकदम लैंडस्लाइड की वजह से सूख चुका है। मतलब अभी हम लोगों को चढ़ान भी मिल रही है, निचान भी मिल रही है। हाँ। अभी लौटते टाइम भी फिर से हम लोगों को एक चढ़ाई करना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा, तभी ये देर करता है। तो यहाँ पर जितना आप संभाल कर चलोगे आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। थोड़ा सा इधर उधर होगा ना, आप जाके सीधे घाई में गिरोगे, और नीचे गिरते गिरते नज़र हटी दुर्घटना घटी, जो कहावत में है। और यहाँ पर देख सकते हो नीचे आपको गंगा जी का स्रोत दिखाई दे रहा होगा। जितना कष्ट लगेगा चढ़ाई और उतरने में वो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूटीफुल नेचर है वो आपका दिल ले लेगा। तो यहाँ एक जंगली जानवर जिसको उड़िया में इंडियो बोलता है, ये देख रहा है, इसको मालूम हो गया कि हम लोग आ गए। यहाँ पे एकदम बढ़िया जगह है बैठने के लिए, पत्थर गिरेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अगर आप लोग बढ़िया खाना पीना लेके आओ। हाँ। तो इधर बढ़िया रुको। जिन लोगों को
ऊंचाई से डर लगता है, डर लगता है, ऊंचाई से नीचे देखने में डर लगता है, चक्कर आती है ना, तो वो लोग कभी गलती से रूट पे मत आना, मत आना, आ भी गए लेकिन नीचे मत देखना, फोकस मत करना, बस चलते रहो, आपने ध्यान लगाते रहो सिर्फ ट्रैकिंग करने पे। तो यहाँ पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा, जो भी खा रहे हो वहाँ पे आके फेंकना। तो यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ से पहुँच गए वुडन ब्रिज पे, ये देखो ये आ गया वुडन ब्रिज। तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि जो मैं यहाँ देखता हूँ उस समय में मैं ये सारे नज़ारे देख पाऊंगा। यहाँ पे हम पहुँच गए वुडन ब्रिज, फाइनली 2.5 किलोमीटर जर्नी करने के बाद, ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच गए वुडन ब्रिज। और बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि नज़ारा कुछ ऐसा है, और वहां पर देख सकते हो पहाड़ कितना नीचे है और ब्रिज देख सकते हो। तो फोटो वोटो खींच ले, फोटो तो भाई यहां खींचने में आ जाओ, चलो अगर इधर भी फोटो नहीं खींचा तो फिर क्या खींचा। हाँ चलो प्यार करो तो सच्चा, वरना आलो नहीं अच्छा, आलो नहीं अच्छा, वाह वाह क्या बात है। तो वुडन ब्रिज का व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कुछ नीचे झुक के जाना पड़ता है, और वहां पर देख सकते हैं वुडन ब्रिज। 2.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद ये जो वुडन ब्रिज आपको दिख रहा होगा वो लगभग 270 से 290 मीटर तक है, और मतलब नीचे एकदम नीचे की तरफ है, और आपको चलने में बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर वो साइड में गंगा जी का नदी जा रहा है, और उसका जो गर्जन है बोलते हैं साउंड, वो आपका कानों में गूंजते रहेगा गूंजते रहेगा, और आपको जो फील आएगा ना मतलब मज़े ही मज़े। ऐसे एकदम नीचे के ओर ढलान आप देख सकते हो, वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा वुडन ब्रिज। तो यहाँ पर हम पहुँच गए फाइनली ब्रिज के, ब्रिज के एंड में पहुँच गए। हवा चल रहा है ना, एकदम मस्त लग रहा है। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। ये दिल मांगे वो।